ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये गोदरेज कंपनी की फ्रिज की जो पीसीबी आई है सिंगल डोर की, आप देखना हम इसे किस प्रकार रिपेयर करेंगे। देखो इसका कैपेसिटर फूला हुआ है और देखते हैं इसमें हाई वोल्टेज आ चुका है, इसकी वजह से जो है इसमें देखते हैं हम ये किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है कैपेसिटर हमारा फूला हुआ है, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर फूला हुआ है तो ये देखते हैं ये हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। तो आपके हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकाल के फिर इसके हम आईपीएम को चेक करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर निकल चुका है, अब हम इससे पहले आईपीएम को कंफर्म करेंगे कि हमारा आईपीएम ओके या नहीं है, चेक करेंगे कि हमारा आईपीएम ओके है या नहीं है। तो आपको आईपीएम चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये हमारी निगेटिव है तो निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे एक जगह पॉजिटिव यहाँ पे हम निगेटिव, ये हमारी निगेटिव प्रोड है। अब आप इसकी जो हम जो है कंड्यूट वो चेक करेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है, कितने ओम्स आ रही है, सभी पे एक समान आ रही है। ये हमारी 411 ओम आ रही है UBW पे, इस पे भी इतनी आ रही है और इस पे भी इतनी आ रही है, तो हमारे ये मतलब पॉजिटिव वाले जो हमारे IGBT ठीक है। अब हम नेगेटिव की साइड से चेक करेंगे, अब ये लो साइड के चेक कर रहे हैं हम IGBT, ये लो साइड के IGBT भी हमारे ओके है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें कैपेसिटर डालेंगे, हमारी यहाँ से शॉर्टिंग भी हट चुकी है, पहले शॉर्टिंग बता रहा था ये, क्योंकि कैपेसिटर हमारा ये शॉर्ट है इसके वजह से ये शॉर्टिंग बता रहा था, ये मैं आपको दिखा दूं, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो चुका था। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक हम यहाँ पे कैपेसिटर चेंज करेंगे और एक यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी इसे चेक करेंगे, दोनों चीज चेंज करेंगे। अब हमने ये लगा रखा है, अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा ये जो है अब देखो ये लाइट आ चुकी है, हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। अब हम इसकी जो है इसकी 15 वोल्ट और 5 वोल्ट हम जिसकी चेक करेंगे, ये हमारी प्राड उल्टी लग गई थी, ये हमारे 5 वोल्ट बन चुके हैं, ध्यान से देखना आप, ये हमारे 5 वोल्ट बन चुके हैं और ये हमारे जो है 15 वोल्ट इस पे आ रहे हैं, ये 15 वोल्ट बन चुके हैं हमारे, ये इस डायोड पे बनते हैं।
ये हमारे 15 वोल्ट ये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 15 वोल्ट, ये बिल्कुल ओके बन चुके हैं। इस पे जो है एक परत चढ़ी होती है जिसकी वजह से बताता नहीं है। ये हमारे 15 वोल्ट और ये हमारे 5 वोल्ट आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम इस पे जो है हम जो है हमने जो है UBW की जगह पर हमने मोटर बना रखी है, देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है, उससे कनेक्शन कर लेते हैं। इसके जो है ये UBW है, इस पे हम कनेक्शन करेंगे। UBW पर कनेक्शन करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा ये कंप्रेसर चालू होता है नहीं होता। ये हमारी मोटर है, इस प्रकार से आप चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखो हमारा इस समय हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। ये जो है हमारी इस समय कंप्रेसर चालू हो चुका है। ये जो है अब ये हमारी PCB ओके हो चुकी है, तो आप भी इसी तरीके से इस PCB को ओके कर सकते हैं। ये बड़े आसानी से आपकी PCB ओके होगी, हमारा कंप्रेसर चल चुका है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है ये वायरिंग बता दूं, ये कि इसमें न्यूट्रल होता है और ये हमारा जो है लाइन होता है, लाइन न्यूट्रल लगाना होता है, UBW लगाना होता है और हमें जो है किसी भी चीज लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये गोदरेज की PCB डायरेक्ट चल जाती है। तो इसी प्रकार से आप अच्छी वीडियो पाने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।